सो हाई एंडर एपिसोड विद मी आर शे आई होप यू गाइड्स आर डूइंग गुड और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो पर्सेंट टाइल सीमैट कॉलेज के बारे में आई थिंक एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट इन टू टॉप कॉलेज भले वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हों वो कैट दे रहे हों वो जैट दे रहे हों वो सीमार्ट दे रहे हो बट सीमार्ट के टॉप कॉलेज के लिए जैसे कि अगर हम जे बी आर एम एस की बात करें तो आपका नाइन्टी नाइन प्लस परसेंट टाइल रिक्वायर्ड है वेस इसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें दूसरे कॉलेज जो कि डिसेंट कॉलेज की कैटेगरी में आते हैं थ्रू सीमार्ट तो नाइन्टी फाइव प्लस परसेंट टाइल कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होता है बट लेट्स इन केस अगर आपका परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं होता आप नाइन्टी से अंदर हैं तो कौन-कौन से हैं जो आप टारगेट कर सकते हैं पर मैं आपको फिर ये वन पीस ऑफ एडवाइस हमेशा दूंगी मैं लाइफ पे भी आती हूं, मैं हमेशा ये कहती हूं colleges, एक स्टूडेंट की प्रोफाइल उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं एंड मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी जस्ट राइट आफ्टर दिस इंट्रो सो लेट्स स्टार्ट सो इफ यू आर एन एम बी एस्पिरेंट आपने कैट दिया है दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया आपका अच्छा नहीं है एंड एंड आप आप उस कम पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते है. आप जानना चाहते हैं हैं जानना जो आपने देखे हैं उनकी रियालिटी चेक क्या है तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है कॉलिंग के लिए नंबर दिया है जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं हाय आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया वाई आई केम जस्ट सो क्लोज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आज ही सुबह व्हेन आई केम टू ऑफिस मेरी काउंसिलर है हर नेम इज़ मिली शी केम टू मी दैट एक स्टूडेंट है जिसको आपसे बात करनी है क्योंकि आप कल लाइव में आए थे ही फिल्ड द फॉर्म बट ही वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट सो आई टॉक टू हिम वो स्टूडेंट ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है ठीक है वो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उसका 58.9 पॉइंट नाइन परसेंट आया था कैट में विजिट करने गया तो व्हाट ही सेड दैट मुझे कॉलेज का कैंपस बहुत अच्छा नहीं लगा मतलब बहुत छोटी सी बिल्डिंग है एंड मुझे थोड़ा सा वो वाइब वाली चीज़ एंड उसके अलावा भी तो होता क्या है दैट वेन एवर आई टॉक अबाउट कॉलेज प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है यहाँ पे हर स्टूडेंट की अपनी कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं राइट right? जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका ये भी कहना था कि यहाँ से एक किलोमीटर बाद यू you नो know, अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कुछ भी ऐसा चाहिए तो मिलता है एंड सो ऑन काइंड ऑफ अ थिंग राइट मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी दर सो मैनी कॉलेजेस जैसे कि एम डी आई मुर्शिदाबाद हो गया या फिर जो बहुत आउटस्कट्स में हैं आई एफ एम आर चेन्नई हो गया काफ़ी रिमोट लोकेशन पे लोकेटेड कॉलेज हैं तो सिंपल सी चीज़ है कई लोग उन कॉलेज को प्रेफर करते हैं कई स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते कुछ स्टूडेंट्स लोकेशन देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स लोकेशन नहीं देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स को ब्रांड वैल्यू चाहिए कुछ स्टूडेंट्स को ब्रांड वैल्यू नहीं चाहिए तो हर स्टूडेंट की अपनी कुछ प्रेफरेंसेस होती है जिसकी बेसिस पे वो एक बी स्कूल को टारगेट कर रहे होते हैं तो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे मैं बहुत जेनेरिक कॉलेजेस है जो आप हो सकता है मेरी कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके होंगे राइट या हो सकता है आपके पास दिन में जो 50 कॉल्स आते हैं उनमें से कुछ कॉल्स पे यही कॉलेजेस आपको बताए जाते हों पर आपके लिए क्या सही है ये आपको डिसाइड करना है पहले एनालिसिस करना है एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो आपको सही लग रहा है उसके हिसाब से आपको कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना है जैसे इस लिस्ट में हम लो परसेंटाइल पे कुछ कॉलेजेस देखते हैं आईएमआई भुवनेश्वर बट आईएमआई भुवनेश्वर इन लास्ट ईयर 90 प्लस क्योंकि इनकी बैच साइज वन स्टूडेंट्स का है। तो वहां पे दे हैव हाँ देव अप 90 प्लस पोस्टर टाइल स्टूडेंट अन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आपकी अच्छी प्रोफाइल नहीं है आईएमआई कोलकाता है जयपुरिया का लखनऊ है नोएडा कैंपस आप देख सकते हैं इंदौर कैंपस देख सकते हैं जाइन बैंगलोर आप टारगेट कर सकते हैं लो पोस्टन पे दिल्ली एनसीआर में देख सकते, के लिए 90 plus है, बट उससे नीचे जितनी भी कॉलेज है बने वो जयपुर हो बेनेट हो बी एम एल मुंजाल हो या फस्टाइम हो या एफ आई आई बी हो या जिम्स रोहिणी हो या आई आई एल एम हो ये सारे कॉलेजेस के साथ क्या है दैट इनमें कोई परसेंटाइल की मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, आदर दिन जयपुरिया नोएडा वो फिफ्टी मिनिमम मांगते हैं प्रोफाइल वेज सिलेक्शन होता है अब इनमें से कुछ स्टूडेंट्स को कुछ अच्छे लगते हैं किसी बच्चे को जीएल बजाज अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा बजट कम है राइट हमें समझ में आ रहा है किसी स्टूडेंट को जीएल बजाज नहीं अच्छा लग रहा उनको आई अच्छा लग रहा है किसी स्टूडेंट को मंगलमय अच्छा लग रहा है क्योंकि उनका बजट और भी कम है तो यहाँ पे हर पैरामीटर लोकेशन के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस चेंज हो रहे होते हैं तो अगर आपका सीमार्ट में नाइन्टी प्लस का से कम परसेंटाइल है तो मोर ओ लेस कॉलेजेस सेम है कुछ यू you नो know, थोड़े से ज्यादा नोन कॉलेजेस हैं जैसे जयपुर बच्चे नाम जानते हैं राइट बेनेट बच्चे नाम जानते हैं आयल बच्चे नाम जानते हैं कुछ ऐसे हैं जो थोड़े से उनका ब्रांड वैल्यू थोड़ा सा यू नो मार्केटाइज कम करते हैं उनके नाम बच्चे कम जानते हैं प्राइस यूनिवर्सिटी है आईटीएम नवी मुंबई है एटलास है यूबीएस मुंबई है एसआईएस मुंबई है चेतना मुंबई है एम मुंबई है ये सारे कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हैं जिम्स रोहिणी जिम्स कालका जी यू देहरादून अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर सोयल गुड़गांव बी मुंजाल ओ पी जिंदिल यू मुंबई आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हुए आप टारगेट कर सकते हैं आई एस बी आर आप टारगेट कर सकते हैं सी एम एस जैन यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर सकते हैं श्री बालाजी यूनिवर्सिटी पुणे इंडस टारगेट कर सकते हैं है, कम बजट में रिम टारगेट कर सकते हैं आई एस बी एन एम टारगेट कर सकते हैं राइट तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो आप लेस परसेंट टाइम पे देख सकते हैं इनमें से अगेन I mean बच्चे का कम्युनिकेशन क्या है अकाडमिक्स क्या है स्पेशलाइजेशन क्या है एच देख रहा है तो जिसराची टारगेट कर सकता है मार्केटिंग फाइनेंस देख रहा है तो इनमें से आई टी टारगेट कर सकता है तो फाइनेंस देख रहा है तो आई एफ टारगेट कर सकता है इन डालमिया टारगेट कर सकता है तो कॉलेज प्रोफाइल स्पेशलाइजेशन वाइज चेंज हो रहे हैं तो एंड ऑफ द डे कंक्लूड कैसे करूंगी कि अपनी इंटरेस्ट अपनी अकॉर्डिंगली कॉलेजेस देखो प्रॉपर रिसर्च करो जो ऑनलाइन मिल रहा है वो नहीं वो तो सब अच्छा अच्छा है